नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी 11वीं चल रही है और उसका लास्ट पार्ट है 11.4। तो इसके अंतर्गत देखो, जो पहले क्वेश्चन में दे रखा है वो पूछना चाहता है आपसे कि किस क्वेश्चन में तो आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे और किस क्वेश्चन में आप आयतन ज्ञात करोगे। तो जो क्षेत्रफल संबंधित होता है वो उसके सारे बाह्य पृष्ठों से संबंधित होता है, और आयतन जो संबंधित होता है कि वो कितनी चीज़ें अपने अंदर रख सकता है, वो उसकी कितनी धारिता है या उसकी कितनी क्षमता है, इसे कहते हैं अपने आयतन। अब देखो पहला क्या दे रखा है कि आप क्या ज्ञात करोगे कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। इसके लिए आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे या आयतन ज्ञात करोगे, इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, तो वो उसकी धारिता क्षमता पर संबंधित क्वेश्चन आ गया कि इसमें कितनी क्षमता है पानी रखने की। तो इसमें अपने क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, आयतन। यही क्वेश्चन सेम है कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी रखा जा सकता है या भरा जा सकता है, दोनों सेम है। तो इसमें क्या ज्ञात करेंगे, अपने आयतन ज्ञात करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन देखो कि इसको प्लास्टर करने के लिए कितनी सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता होगी, कि प्लास्टर करना है तो उसके दीवारों पर, छत पर मतलब करना होगा, तो इसके लिए अपने उसको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा कि उसको कितनी बोरियों की आवश्यकता होगी। और क्षमता से संबंधित क्वेश्चन है कि कितना रखा जा सकता है, तो इसमें क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में आपको दो डायग्राम दे रखे हैं, ए और बी, और ए का आपको व्यास दे रखा है। देखो दूसरा क्वेश्चन कि ए डायग्राम है और एक बी है, और ए के लिए व्यास बता रहे हैं आपको कि 7 सेंटीमीटर है, और बी के लिए जो है वो है 14 सेंटीमीटर, और इसके लिए ऊंचाई बता रहे हैं आपको 14 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कर दी 7 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है कि किसका आयतन है वो अधिक है, किसका आयतन अधिक है। तो अब देखो इसका आयतन ज्ञात करना है, बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अपने को दोनों का क्या दिया हुआ है, ब्यास दिया है, इसका भी ब्यास दिया है, इसका भी ब्यास दिया है, तो पहले त्रिज्या में बदल लेंगे, इसका निकालेंगे तो 22/7, इसकी त्रिज्या क्या होगी 7/2, 7/2, और ऊंचाई क्या है 14, एक साथ से एक साथ कट गया, तो 7 इसको काटोगे तो 11, और इसको इससे काटोगे तो 7, और 49 × 11, 11 को इससे गुणा करोगे तो 11 × 99, 9 × 11 = 44, और 9 को जोड़ोगे तो 53 सेंटीमीटर। आयतन किस में होता है, क्यूब में होता है। इसी तरह अब इसका ज्ञात करोगे तो ये ब्यास है, तो ब्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, और ऊंचाई भी 7 काट दिया। अब देखो 22 × 49, अब देखो यहाँ पे तो 49 × 11 था, अब यहाँ पे 49 × 22 है, यानी कि 11 × 2, तो फिर अपने को दिख रहा है कि आयतन किसका अधिक होगा, बी का आयतन अधिक होगा। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, आयतन का सूत्र लगाना था और चेक करना था कि किसका आयतन अधिक होगा। अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि घनाभ की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, और घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आयतन दे रखा है 900 सेंटीमीटर की क्यूब, इसका आयतन दे रखा है 900 सेंटीमीटर की क्यूब। तो फिर घनाभ का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर 900, कि जो आधार का क्षेत्रफल है ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है घनाभ का क्षेत्रफल। तो आपको लंबाई गुणा चौड़ाई तो दे ही रखा है, ऊंचाई उसके गुणा में लगा दो तो उसके आयतन के बराबर हो गया। एच का मान निकालना है तो 900/180, 0 से 0 कट गई, क्या बचा 90/18, 90 में आप 18 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आ गया 5, तो ऊंचाई का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, आपसे ऊंचाई पूछी थी और उसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन बस ये बात याद रखनी है कि आपको आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि 60 × 54 × 30 सेंटीमीटर वाला कोई घनाव है, तो इसमें कितने घन रखे जा सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये घनाव है और 6 सेंटीमीटर भुजा किसकी है, घन की, और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने घन रखे जा सकते हैं। तो जब आपसे इस प्रकार के पूछे जा सकें कि इसमें कितने घन या घनाव रखे जा सकते हैं एक आकृति से दूसरी आकृति में, तो आप क्या करोगे, दोनों का आयतन ज्ञात करोगे, बड़ी आकृति का आयतन ऊपर और छोटी आकृति का आयतन नीचे, तो 60 गुना
54 गुना 30 बटा में रखे जा सकते हैं। पूछा है आपसे तो किसके पूछा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो आप 6 6 6 क्या करो नीचे लगा दो इसके, 6 6 6 क्या करो इसके नीचे लगा दो कि 6, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो दोनों का आयतन है बड़े का ऊपर छोटे का नीचे, कितने रखे जा सकते हैं आ जाएगा, 6 से भाग दोगे 5, 6 से भाग दोगे 9, और इसमें 6 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 10, 9 5 45, 45 को 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 450, कितने घन रखे जा सकते हैं 450 घन रखे जा सकते हैं। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन, ऊंचाई ज्ञात करनी है, सेम क्वेश्चन है तीसरे की तरह, आयतन दे रखा है और धार का व्यास दे रखा है। देखो पांचवा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है बेलन की, आपको क्या दे रखा है आधार का व्यास दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या आएगी 140 बटा में 2 कितनी आएगी 70 सेंटीमीटर, और आपको जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है मीटर में, आयतन दे रखा है, आयतन आपको दे रखा है 154 मीटर, 1.54 है क्या, 1.54 मीटर की क्यूब। तो देखो इसको बदल लो आप मीटर में तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 0.7 सेंटीमीटर आपकी क्या है त्रिज्या है। आयतन क्या होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मान आपको कितना दे रखा है 1.54, पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान 0.7 गुना 0.7, और एच का मान ज्ञात करना है 1.54। एच इधर रहने दो 1.54, 7 ऊपर चला जाएगा, बाकी जो सारे हैं वो कहाँ जाएंगे 0.7 नीचे। इसको इससे गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा 7 × 14 = 15, इसके गुना से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको गुना करो ये चीज बनेगी, ये कट गई, पॉइंट को हटाया ऊपर 10 लगा 7 से 7 कट गया, तो एच का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। देखो क्या दिया था, आधार का व्यास दे रखा था, व्यास से पहले त्रिज्या ज्ञात की, त्रिज्या सेंटीमीटर में थी लेकिन आयतन किस में दिया था मीटर में दिया था, तो त्रिज्या को पहले किस में बदला मीटर में बदला, त्रिज्या को पहले किस में बदला मीटर में, मीटर में बदला, उसके बाद सूत्र लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, तो उससे अपना हल किया तो अपने पास आ गया उत्तर जो उसने पूछा था। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, त्रिज्या और आपको ऊंचाई दे रखी है और कितने लीटर दूध भरा जा सकता है, तो छठे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको आयतन ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर एच से, तो समय करोगे आर का मान दे रखा है आपको 1.5 मीटर और एच का मान दे रखा है 7 मीटर, तो ये किस क्वेश्चन को क्या करोगे समय हल करोगे, क्या करोगे समय हल करोगे। इसके बाद देखते हैं अपने सातवां क्वेश्चन, देखो सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो आपसे पूछना चाहता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6 × भुजा की स्क्वायर, 6 × भुजा की स्क्वायर, ये तो है पहले वाला पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक किनारे को क्या कर दिया दुगुना कर दिया, सूत्र तो फिर यही लगेगा 6 × भुजा की स्क्वायर, अब भुजा थी पहले एक एक्स थी यानी कि बाद में वो दुगुनी होगी तो क्या होगी 2 भुजा, इसकी स्क्वायर करोगे तो 2 × 4 बार कितना आ जाएगा 4 और भुजा की स्क्वायर, उसने दुगुना कहा कि पहले भुजा थी उसको दुगुना कर दिया तो 2 × भुजा होगी, अब 2 का वर्ग करोगे तो 4, पहले क्षेत्रफल था ये वाला 6 × भुजा की स्क्वायर, अब बड़ा क्षेत्रफल में एक्स्ट्रा क्या आ गया 4, कि जो पहले क्षेत्रफल था उससे ये कितने गुना हो गया 4 गुना हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4 गुना हो गया, प्रत्येक भुजा को क्या करने पर दुगुना करने पर उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है। इसी तरह दूसरा वो पूछना चाहता है कि आयतन में, तो जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है भुजा की क्यूब होता है, भुजा की क्यूब, अब पहले तो भुजा थी अब उसका क्या हो गया 2 गुना हो गया, तो क्या हो गया 2 × भुजा की क्यूब, बाहर लेके आएंगे तो 2 की क्यूब यानी कि 2 को कितनी बार गुणा करोगे 3 बार, तो 2 को 3 बार गुणा किया तो 2 × 4 × 8 बार कितना आएगा 8 और अंदर रहेगा भुजा की क्यूब, पहले भुजा की क्यूब था अब क्या हो गया 8 × भुजा की क्यूब, तो अब उसके आयतन में क्या फ़र्क पड़ा, उसका आयतन कितने गुना हो गया 8 गुना हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना और आयतन कितने गुना हो गया 8 गुना हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो अपना हल हो गया। तो आपकी ये जो प्रश्नावली है 11.4 ये पूरी हुई।